इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल ने अपनी शुरुआत से ही क्रिकेट के खेल को एकदम बदल कर रख दिया है। इसके अलावा दर्शकों के लिए ये मनोरंजन का सबसे अच्छा तरीका बनकर उभरा है। इन सब के बीच ये टूर्नामेंट बिना किसी शक के नई खिलाड़ियों को खुद को साबित करने का मौका भी दे रहा है। नए खिलाड़ियों को दुनिया भर के दिग्गजों के साथ एक ही ड्रेसिंग रूम शेयर करने और उनके साथ खेलने और सीखने का मौका भी आईपीएल के माध्यम से मिल रहा है। हालांकि ये टूर्नामेंट अपने 15वें सीजन में है और कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स जो एक दशक से भी पहले बनाए गए थे अब तक नहीं टूट सके हैं। इस वीडियो में हम ऐसे ही 5 रिकॉर्ड्स की बात करेंगे जो 10 साल से ज्यादा समय से आईपीएल में सही सलामत बने हुए हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो चलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आईपीएल के इतिहास में मुंबई इंडियंस सबसे सफल टीम रही है। 2008 में आईपीएल की शुरुआत से ही सचिन इस टीम का महत्वपूर्ण हिस्सा रहे हैं। आईपीएल में ऑरेंज कैप जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी के तौर पर सचिन तेंदुलकर का नाम दर्ज है। ये 2010 में हुआ था जब उन्होंने मुंबई की तरफ से खेलते हुए एक सीजन में 618 रन बनाए थे। ये अभी तक भी मुंबई की टीम के किसी बल्लेबाज द्वारा एक सीजन में बनाए गए सबसे अधिक रन है। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर भी सचिन का ही नाम आता है। ये रिकॉर्ड अभी तक बना हुआ है। ये रोचक है क्योंकि उसके बाद से अब तक मुंबई की टीम 5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत चुकी है। आईपीएल में शतक मारने वाला सबसे पहला बल्लेबाज केकेआर की टीम का था। आईपीएल के पहले ही मैच में केकेआर के अब तक के ओपनिंग बैट्समैन ब्रैंडन मैकुलम ने 158 रनों की पारी खेली थी। हालांकि तब से आज तक केकेआर की तरफ से और कोई बल्लेबाज शतक नहीं लगा सका। आईपीएल 2019 में 50 गेंदों पर 97 रन बनाकर दिनेश कार्तिक इस रिकॉर्ड के सबसे करीब आए थे, लेकिन वे शतक नहीं लगा सके। हालांकि बल्लेबाजी में केकेआर की तरफ से और कई रिकॉर्ड है, लेकिन शतक का खाता 2008 के बाद अब तक खाली है। 2012 में एक सीजन में क्रिस गेल द्वारा मारे गए 59 छक्कों का रिकॉर्ड भी अभी तक कोई नहीं तोड़ सका है। गेल ने उस सीजन में कुल 733 रन बनाए थे, जिसमें उनके बल्ले से 59 छक्के निकले थे। 2019 में उनके हमवतन आंद्रे रसेल एक सीजन में 52 छक्कों के साथ इस रिकॉर्ड को तोड़ने के सबसे नजदीक पहुंचे थे, लेकिन उनसे भी ये तोड़ा ना जा सका। आईपीएल के इतिहास में अब तक कुल 21 हैट्रिक ली जा चुकी है, लेकिन ऐसा सिर्फ एक ही बार हुआ है कि एक ही सीजन में एक ही खिलाड़ी ने 2 बार हैट्रिक ली हो। आईपीएल के दूसरे सीजन में ऐसा कारनामा किया गया था और करने वाले थे जाने माने ऑलराउंडर युवराज सिंह। युवराज ने पहले रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के खिलाफ हैट्रिक ली, फिर कुछ हफ्तों बाद यही कारनामा दोहराते हुए हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स के खिलाफ भी हैट्रिक ली थी और ये रिकॉर्ड आज तक बना हुआ है। अनकैप्ड का मतलब होता है ऐसा खिलाड़ी जिसने अभी तक अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट ना खेला हो। आईपीएल में आज तक सिर्फ एक ही अनकैप्ड खिलाड़ी ऐसा है जिसने ऑरेंज कैप जीती है। ये रिकॉर्ड आईपीएल के पहले ही सीजन में बना था और बनाने वाले थे बाएं हाथ के ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी शॉन मार्श। शॉन ने अपने प्रदर्शन से उस आईपीएल में सभी को हैरत में डाल दिया था। उन्होंने उस सीजन में 11 मैचों में कुल 618 रन बनाए थे। उनके बाद से कोई भी विदेशी या भारतीय खिलाड़ी आज तक ऐसा करने में कामयाब नहीं रहा। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं।